कसम भोले बाबा की, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। पहलवान पहलवानी दिखा रहा है रात में ही, देखो नाक चढ़ी हुई है, मुंह चढ़ी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं और लगता है चुड़ैल आने वाली है। और ये है मेरी नटखट भतीजी रागिनी बघेल। नमा जी नमा घुमा इनको। हां मेरे में चुड़ैल आने वाली है। निकलने से पहले बहुत सामान पैक करना पड़ रहा है और अब मैं नीचे आ चुका हूँ अपनी पार्किंग में जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है। ओए क्या उड़ गया। और अभी सामान हम पैक कर रहे हैं। और ये है मेरे छोटे बहनोई जो सामान रखने में मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। इनको तो आप जानते हैं, ये है मेरे नटखट भतीजे दिव्यांश बघेल। अरे डुगू इसमें बैठना है, डिग्गी में बैठ के जाना। अरे टैटू इसको बंद करो, टैटू इसको बंद कर दिया टैटू। तो चलो अभी हम हरिद्वार के लिए निकल रहे हैं। अभी रास्ते में से छह स्टार डुगू पसंद बिठा दे इसको। एक्चुअली ऐसा ढूंढना चाहता है तो अभी भैया भाभी सब लोग अभी हमारा वेट कर रहे हैं वहाँ पे। सब लोगों का मिल के लोग हरिद्वार जा रहे हैं। कम ऑन चलो अंदर, ये वाली खिड़की खोलो, ये खोलो डुगू ये। चलो स्टार्ट कर दी। निकलने से पहले थोड़ा सा टाइम मिल गया बच्चों के साथ खेलने के लिए। ओजी ओजी मारते जा रहा हूँ, मारो 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 मारो। अच्छा आप एक बात बताइए, एक बात बताइए, आप क्यों रो रहे थे? और बच्चों की शरारत शुरू हो चुकी है। जैसा दीदी ने कब डांटा था? तो सफर तो अभी बहुत लंबा है। हेलो फ्रेंड्स, आज है क्या हमारा नाइट जो है, हमारा कल का प्लान था कि हम हरिद्वार जाएंगे, तो हम लोग आज हरिद्वार जा रहे हैं। सब बैठे हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ, हमारे सारे के सारे बैग पैक हो गए हैं, सब लोग तैयार हैं, थोड़ी देर में निकलने वाले हैं हम लोग। तो सारे लोग आ रहे हैं और ये भी गाड़ी तैयार होगी, वो भी गाड़ी तैयार होगी, अभी हम सब निकलने वाले हैं। अभी सारे लोग उतर रहे हैं और हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं। तो हमारे अब सब लोग आ चुके हैं, सब लोग अब बैठ रहे हैं, गाड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। देखो दादू भी तैयार हो चुके हैं, ये सब लोग भी तैयार हो चुके हैं। आदमी भी सोच रहा था उस समय, देखो ये सब लोग भी, बुआ जी भी तैयार हो चुकी है जाने के लिए और फूफा जी भी और बापू भी अंदर बैठे हैं। सब लोग तैयार हो चुके हैं, अब बस 5-10 मिनट में बस अभी निकल रहे हैं सब लोग। चलो अब निकलने लगे। एक बार सभी लोग गाइस कमेंट करें, हर हर महादेव। दोनों गाड़ियां हमारी हो चुकी है और यहाँ लड़ाई हो रही है, कौन आगे बैठेगा कौन पीछे बैठेगा ना? तो अब मैं बैठ रही हूँ। यहाँ नहीं, क्यों यहाँ तो मैं बैठ रही हूँ। है चाचू मेरे को नहीं बैठना। को हमारी मम्मा ये तैयार हो गई हैं जाने के लिए। एक बार बोलो मम्मा हर हर महादेव। हेलो गाइस, आज हम फैमिली जा रहे हैं हरिद्वार, हर हर महादेव।
बैठने के लिए बुआ जी भी बैठ रहे हैं, बुआ जी भी जा रही हैं, गाड़ी स्टार्ट हो गई तो मैं भी बैठ रही हूँ। हटो, चलो मोनू बैठो, मोनू बैठो, मोनू बैठो। कोई चक्कर जी कोई गालू कहीं ना मैं चक्कर तो जो है नहीं सब अभी आप बड़ी। चलो चाचू भी हमारे तैयार हो गए हैं। हर हर महादेव। और दादू दादू हाँ। और हमारे दादू जी भी और डुग्गू भी तैयार हो गया है जाने के लिए, सब लोग हो गए। एक काव्य कई मान सुनाए पहलवान पहलवान ही दिखा रहा है रात में ही। देखो नाक चढ़ी हुई है, मुंह चढ़ी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं और लगना चुड़ैल आने वाली है। दोनों जी नवाज हुआ इनको। हाँ मेरे में चुड़ैल आने वाली है। Keep selling. और ये हमारी आगे वाली गाड़ी जा रही है, फॉलो कर रहे हैं इस गाड़ी को। तो अभी हम नेशनल हाईवे पे आ चुके हैं, सीधा मेरठ के लिए निकल रहे हैं और हमारी दूसरी गाड़ी ये चल रही है साथ में। और मेरठ यहाँ से सिर्फ 59 किलोमीटर है और अभी हम आ चुके हैं मेरठ टोल। यहाँ से मेरठ लगेगा 10 या 12 किलोमीटर से। और ये सरदार जी हैं, क्या है यूके, इतनी गंदी गाड़ी चलाई है इन्होंने अभी यहाँ पे। मैं तो कह रहा हूँ जरा भी सब्र नहीं किया तुमने, लॉन्ग रूट पर चलने वाले आदमी ऐसे कैसे इतनी गंदी गाड़ी चला। हाँ भैया क्या हुआ, क्या हुआ भैया, क्या हुआ? अच्छा ये हमारी देवी जी उठ गई हैं। यही आके सो गया। धीरे धीरे बारिश भी चालू हो चुकी है, रात के 12:30 बज रहे हैं। पता नहीं वहाँ कैसे नहाओगे ठंडे ठंडे पानी में। पता है पिछली बार वहाँ पर गए थे तो नगरकोट में जाके, वो पहले गड़गंगा और नीचे गंगे पानी वहाँ पर कितना ठंडा पानी लगा था। बिल्कुल ये है मेरठ का, क्योंकि मेरठ इससे जो है सिर्फ 5 या 4 किलोमीटर दूर है ना, 5 किलोमीटर मेरठ यहाँ से। पहला पता नहीं पहुँचा था हमने तो वो भी मेरठ वाला समझा था। वो नहीं ये है, 5 किलोमीटर दूरी है बस। तो इसका मतलब यही है मेरठ वाला टोल। और ये अभी तीसरा टोल है ना, है ना, दो टोल हम पार कर गए। हाँ मुझे पता ही नहीं हम लोग सो गए, ये अब थर्ड टोल है। टाइम लगा देख रही हूँ गाड़ी। अरे काम भाग रहे हो, काम भाग रहे हो, बताओ बताओ काम भाग रहे हो, गाड़ी से निकल के काम भाग रहे हो। अरे हमारी नाक सड़ गई। क्यों क्या हुआ? बदबू आ रही गंदी। चलो आ जाओ चाय पीते, आ जाओ चलो आ जाओ आओ चलो चाय पीते, चलो आ जाओ चाय पीते। अरे आ जाओ चलो चलो। सुबह के 3 बज गए और अभी हम ये कैसे बढ़े, क्यों ऐसे क्यों बढ़िए गाड़ी में पता नहीं क्या हो गया, उसकी स्मेल हो गया गाड़ी में तो उसकी वजह से सब परेशान है। और ये अब आ चुकी है गर्मा गर्म चाय और ये बैठ सब ला रहे हैं दबा के। अरे पियो ना, पियो पियो जल्दी पियो चाय। हैं क्या आ रहा है, क्या पियोगे फिर? हाँ अरे नाम क्या रखी तो है गाड़ी में। तुम क्या पियोगे डुगू, चाय पियोगे?
टोल फिर आ गया है ना। अरे इनके पीछे ये गाइस चौथा टोल है ये। कई सारे टोल पड़ गए और टोल और अभी ये सुबह के 4 बज रहे हैं और देखो इधर भी पानी निकल रहा है और सीधा भी पानी जा रहा है, देख के चक्कर ही आ रहा है इतना पानी। हाँ हाँ आ जाओ देख लो और क्या देख लो। आ जाओ डुकू आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ये देख लो आ जाओ देख तो देखना। अरे तकिया मारने गिरा था मक्खी चमी गिरा। अरे तो तू दिखाओ आज देख ले आज देख वो तो सही। और देखो यहाँ पे ये लोग देख रहे हैं और गाड़ी हिल रही है। अब आ चुके हैं हम ऋषिकेश और यहाँ पर जा रहे हैं त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट है यहाँ पे, वहाँ पर जा रहे हैं हम। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है तो जाकर वहाँ पर अपना नहाएंगे फ्रेश होंगे। पित्तेश्वर घाट चलिए आगे चलते हैं। अभी तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं ऋषिकेश और ये है त्रिवेणी घाट। दोस्तों अब आ चुके हैं हम त्रिवेणी घाट पर तो यहाँ से वहाँ तक का ब्लॉग हमारा पूरा होता है। यहाँ के बाद फिर ब्लॉग बनाएंगे तो तब तक के लिए हमारे वीडियो का वेट कीजिए। जो नए लोग जुड़ रहे हैं कसम भोले बाबा की सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बाय बाय। हर हर महादेव।